बॉलीवुड से एक के बाद एक सितारे किसान आंदोलन में अपनी राय दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा ने किसान आंदोलन पर विदेशी कलाकारों के ट्वीट्स को लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुलकर अपनी राय रखी। सोनाक्षी सिन्हा ने कई पोस्ट करके इंस्टा स्टोरी में डाली है और बताया है कि इन विदेशी कलाकारों को उन बाहरी लोगों की तरह पेश किया जाएगा जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि वो भी इंसान है और इंसानों के पक्ष की बात करना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग की आवाज़ उठाने को कतई गलत नहीं बताया है। आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, इससे पहले आप आज रात रिहाना और क्रेटा या अन्य बाहरियों के भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बारे में सुने, आपको ये बात जान लेने की ज़रूरत है। जाहिर है वो हमारे 3 कृषि बिलों और हमारे कृषि क्षेत्र की बारीकियों को नहीं जानते हैं, लेकिन चिंता सिर्फ इसी बात की नहीं है। आवाज़ उठाई गई है मानव अधिकार उल्लंघन को लेकर, फ्री इंटरनेट को दबाने को लेकर, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, सरकार के प्रोपेगेंडा और हेट स्पीच और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर। सोनाक्षी ने अपनी बात को रखते हुए ये भी कहा कि जब समाचार और मीडिया के लोग आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि ये बाहरी ताकतें हैं तो हमारे देश की कार्यप्रणाली को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये कोई एलियन नहीं है बल्कि हमारी तरह ही इंसान है जो दूसरे इंसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों को डराया जा रहा है, इंटरनेट बैन हो रहा है, सरकार और मीडिया के प्रोपेगेंडा के जरिए प्रदर्शनकारियों की गलत छवि पेश की जा रही है, हेट स्पीच का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। यही वो मसला है जो दुनिया भर में चर्चा में आ रहा है। दमनकारी हमेशा इसी तरह बातें करते हैं। दमनकारी आज़ाद दिमाग लोगों से डरते हैं और जो उन पर निर्भर नहीं होते और सोच बदलने की हिम्मत रखते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी बात को विराम देते हुए एक बात और बोली है और अनुरोध के साथ उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर कहूंगी कि आज रात की खबरों में ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि बाहरी ताकतें देश में अशांति फैलाना चाहती हैं, प्लीज़ उन्हें ये नैरेटिव ना बनने दे। ये इंसानों के लिए इंसानों की आवाज़ बुलंद करने का मामला है, सिर्फ इतनी सी बात है। स्पेशल डेस्क, नवदीप टुडे न्यूज़।